हमने इन पेशेंट का दो बार पीशॉप किए, दो बार, और बोटॉक्स किए। प्रॉब्लम इनको इरेक्शन की प्रॉब्लम थी, तो साथ में टाइमिंग का भी प्रॉब्लम था। तो अब इनकी इरेक्शन तो बेटर बहुत हो ही गई है, और साथ में टाइमिंग पहले 2 मिनट की थी, अब ये 5 मिनट की क्लेम कर रहे हैं, जो कि काफ़ी सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। देखिए, जितनी आपकी पहले टाइमिंग होगी उसी के हिसाब से आगे टाइमिंग बढ़ेगी। सपोज किसी की 5 सेकंड है, तो उसकी अगर मान लो 1 मिनट या 2 मिनट हो जाती है, तो बहुत सिग्निफिकेंट कितने टाइम बढ़ गया, 20 टाइम बढ़ गया उसका टाइमिंग। तो इनका हमने डबल कर दिया। तो पेशेंट काफ़ी सेटिस्फाइड है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन के कारण इनको एक तरह का गुस्सा बहुत आता था, थोड़े डिप्रेशन में रहते थे। उस डिप्रेशन के कारण इरेक्टाइल डिसफंक्शन, तो ये साइकिल होता है हमेशा। तो इसको तोड़ने के लिए जरूरी है कि आप किसी एक चीज को तोड़ो। अगर आप डिप्रेशन तोड़ते हो, अगर आप सेकेंडरी के पास जाते हो, एंटी डिप्रेशन पे डाल देते हैं, और अगर डिप्रेशन टूट जाती है, हालांकि मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है ईडी, वो तो कंटिन्यूस रहेगा, तो पेशेंट को टेंशन रहती है, इस तरह से थोड़ा टूटना मुश्किल होता है। लेकिन अगर टूट जाए तो ईडी भी कंट्रोल हो जाता है ऐसे पेशेंट में, जिसको साइकोलॉजिकल ईडी कहते हैं। या आपने ईडी को तोड़ दिया, ईडी ठीक होगी तो डिप्रेशन अपने आप ठीक हो जाएगा, अगर वो मेन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। इनको चलो फायदा हुआ, बहुत अच्छा है। अब हम इनके 3 फिलर, 2 तो ये हैं, मैं देखूंगा, अगर मुझे लगा कि तीसरा भी डाल सकते हैं तो डालेंगे। टाइमिंग में भी बेहतर होगा और आगे की गर्थ बढ़ाने के लिए 3 फिलर डालेंगे, पी शॉर्ट करेंगे, और ये कंबाइंड ट्रीटमेंट अब इनका हम आज कर रहे हैं।